वीरेंद्र, क्योंकि एक और बड़ी खबर है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा दें कि क्योंकि सीएम भजनलाल के निर्देश पर प्रदेश में मिलावट के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के तहत देश की नामी मसाला कंपनियों के उत्पाद सेहत के लिए हानिकारक पाए गए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, जिन्होंने कंपनियों के मसालों को तत्काल प्रभाव से सीज किए जाने का निर्देश दिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह कह रही हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में मसालों का सैंपल जमा करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत प्रदेश भर से नामी कंपनियां और कई कंपनियों के मसालों का कुल 93 नमूने लिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक कई नमूनों में पेस्टिसाइड समेत कई हानिकारक तत्व की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिली है। सरकार ने केंद्र सरकार समेत गुजरात और हरियाणा सरकार को भी कार्रवाई के लिए खत लिखा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कह रहे हैं कि MDH मसालों की निर्माण इकाई हरियाणा में है, जबकि एवरेस्ट और गजानंद मसालों की निर्माण इकाई गुजरात में है। इसके चलते संबंधित खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को कार्रवाई के लिए खत लिखा गया है। वहीं खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान कह रहे हैं कि मसालों के अनसेफ बैच के अतिरिक्त अन्य बैचों के भी नमूने लिए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इन ब्रांड के मसालों के संबंधित बैच को तत्काल प्रभाव से सीज किए जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इन ब्रांड के अन्य मसाले और मसाला पाउडर के सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा और गुजरात के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को भी खत लिखा गया है। तो नामी मसाला कंपनियों के वीरेंद्र उत्पाद हानिकारक मिले हैं, अब स्वास्थ्य विभाग एक्शन में आ गया है। आगे किस रूप में अब ये जो कार्रवाई है बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए मनीष, जिस तरीके से आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई है वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे हैं, क्योंकि लोगों के जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, चाहे इसमें स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके यहाँ पे आप देखेंगे कि NDTV लगातार खबर को पूरी तरीके से दिखाते रहा है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि जो ये कार्रवाई देखने को मिली है, प्रदेश भर के अंदर 93 से अधिक जो मसाले आते हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, और उन सैंपलों के मुताबिक जो उनकी रिपोर्ट आई है उसके अंदर साफ तौर पे जो पेस्टिसाइड जो निर्धारित मात्रा से जो अधिक पेस्टिसाइड है इन मसालों के अंदर पाया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि MDH हो या फिर एवरेस्ट हो या फिर गजानंद हो या फिर श्याम, जो मसाले आते हैं जो कि महिलाएं हो या फिर कोई भी व्यक्ति अपनी किचन के अंदर बड़ी शान के साथ रखता है, लेकिन ये मसाले हैं कहीं ना कहीं जो हर व्यक्ति के जो स्वास्थ्य के साथ जो मसाला कंपनी है वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती हुई नजर आ रही है। तो इसी की तर्ज पे जिस तरीके से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ प्रदेश भर के अंदर ये कार्रवाई लगातार जारी रहनी चाहिए, जिससे क्या है कि राजस्थान की जनता को स्वस्थ और जो स्वच्छ, जिसे हम कह सकते हैं एक पौष्टिक जो खाने हैं या फिर खाने की जो चीजें होती हैं वो उनको मिल सके बिना मिलावट के। तो इसी को लेके अभियान चलाया गया है, और प्रदेश भर में आप देखेंगे कि लगभग 93 जो कंपनियों के जो नमूने हैं वो लिए गए। उन नमूनों के अंदर आपने देखा कि पेस्टिसाइड जो कि स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक होता है वो तय मात्रा से यानी निर्धारित मात्रा से अधिक पाया गया। उसी के चलते चाहे MDH हो या फिर जो एवरेस्ट हो या फिर अन्य जो मसाला कंपनियां हैं, इन नामी मसाला कंपनियों के जो सैंपल है वो फेल पाए गए हैं। इसको लेकर राजस्थान की जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो केंद्र सरकार को जो भारतीय खाद्य सुरक्षा जो मानक एवं मानक जो है उनके आयुक्तों को पत्र लिखेगी, साथ ही जो पड़ोसी राज्यों में चाहे वो गुजरात हो चाहे हरियाणा हो, जहां जहां पर इन मसाला कंपनियों की इकाई लगी हुई है वहां के राज्यों के जो खाद्य आयुक्त हैं उनको भी पत्र लिख के अवगत कराएगी और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए। संक्षेप में जानकारी ये कि एक्शन तो लिया जा रहा है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से, लोगों को अवेयर करने के लिए किसी तरह का कोई अभी तक कैंपेन चलाया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो ये मसाले ना खरीदें किसी भी छोटी दुकान से, जनरल स्टोर पर जाकर अगर उनको मिलता है तो? देखिए मनी, अब स्वास्थ्य विभाग लगातार पिछले काफी समय से कार्रवाई भी कर रहा है और लगातार एक अभियान भी चलाया जा रहा है कि खाद्य जो पदार्थ आते हैं उनके जो मानक होते हैं उसके आधार पे ही इन जो खाद्य जो चाहे पनीर हो चाहे वो
आप देखेंगे कि जो मसाले हों या फिर अन्य जो चीजें होती है उनके जो राजस्थान या फिर भारत सरकार के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं, अगर उनके मानकों के अनुरूप अगर ये पदार्थ पाए जाते हैं तो खाने योग्य होते हैं। लेकिन अभियान की अगर मैं बात करूं तो ये अभियान है जो खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा मिलावट खोरों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें आपने देखा कि अभी हाल ही के दिनों के अंदर आपने देखा जयपुर के अंदर 32,000 किलो से अधिक जो मिलावटी मसाले हैं वो पाए गए थे, उनको सीज किया गया था। इसके साथ आप देखेंगे 16,000 से अधिक, चाहे वो मिर्ची